Hey, what's up PD Educationers? Welcome to my channel PD Education. आज जो हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक अकाउंट से ही है जो कि हमने अधूरा छोड़ा था, वो मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ. टी एस ग्रेवाल चैप्टर नंबर थर्ड, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, चैप्टर का नाम है चैप्टर थर्ड टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स. हमने स्टार्टिंग के पेज पढ़ लिए थे 3.4 तक. अब पढ़ना है पॉइंट कंपैरेटिव बैलेंस शीट से. ठीक है, अगर आप भी मेरे साथ साथ पढ़ना चाहते हो तो आप बुक के साथ पढ़ सकते हो, नहीं तो मैंने आप इसी की सेम जो मैंने दिखाई देता हूँ पेज, जैसा ही मैंने लिखा है जो जो पॉइंट्स मैं आपको नोट जो मैं बोल रहा हूँ उन जो मेन पॉइंट्स है उसमें मैंने सर्कल लगा रखे हैं. तो इन्हीं का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और मेरे साथ सेम आप ओपन करके एक साथ पढ़ सकते हो. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. कंपैरेटिव बैलेंस शीट. कंपैरेटिव बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? कंपैरेटिव बैलेंस शीट एनालिसिस का मतलब होता है यार कि बैलेंस शीट को पढ़ना. एनालिसिस का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एनालिसिस मतलब स्टडी करना. अब कंपैरेटिव बैलेंस शीट का मतलब स्टडी करना किसका? बैलेंस शीट का. बैलेंस शीट वो भी एक या एक मतलब दो या दो से ज्यादा सालों की. ठीक है, मतलब हम दो या दो से ज्यादा सालों की बैलेंस शीट्स को कंपेयर कर रहे हैं सेम बिजनेस की ऑन अ डिफरेंट डेट्स पर, क्योंकि हर पिछले साल की उससे पिछले साल की बैलेंस शीट को हम कंपेयर कर रहे हैं. क्यों कंपेयर कर रहे हैं? ताकि हम वो एस्टिमेशन लगा पाए कि यार मेरा एसेट इंक्रीज हुआ, लोन इंक्रीज हुआ है, क्या लाइबिलिटी बढ़ी है, रिजर्व क्या मैंने बढ़ाए हैं कि नहीं. ये कंपेयर करने के लिए मेरे को एनालिसिस करना पड़ता है. इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलेंगे. मतलब हम जितने भी कंपैरेटिव चीजें पढ़ रहे हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट की एनालिसिस, ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हो रहे हैं सारे, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. एडवांटेज क्या है कंपैरेटिव बैलेंस शीट के? फर्स्ट, मोर रियलिस्टिक अप्रोच है. हाँ, क्योंकि इट शोज नॉट ओनली द बैलेंसेज ऑफ अकाउंट, ये सिर्फ बैलेंस ऑफ अकाउंट्स नहीं बताता बल्कि आपको उसके इंक्रीज डिक्रीज में भी डिफरेंस बताता है. ये आपको नॉर्मल बैलेंस शीट आप बनाओगे वो तो सिर्फ बैलेंस बताएगा, लेकिन कंपैरेटिव बैलेंस शीट आपको चेंजेस बताएगी कि आपने पिछले से लेके अभी तक में क्या इंक्रीमेंट किया है. सेकंड आता है एम्फेसिस ऑन चेंजेस, यानी कि ये मतलब किस पर फोकस करता है ज्यादा. बैलेंस शीट तो जिस पर है स्टेटस, मतलब यार हमारा स्टेटस इतना है, बैलेंस शीट उस पर फोकस करती है, बट कंपैरेटिव बैलेंस शीट फोकस करती है चेंज पर कि भैया अब चेंज कितना आया मेरा पिछले साल से अब. ठीक है, सेकंड पॉइंट टू एम्फेसिस ऑन चेंजेस. थर्ड आता है रिफ्लेक्ट ट्रेंड, यानी कि ट्रेंड रिफ्लेक्ट करेगा भैया टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, ट्रेंड में क्या चेंज आया, उसकी वजह से मेरी बैलेंस शीट में क्या चेंज आया, क्या मैं ट्रेंड फॉलो कर पा रहा हूँ, क्या मेरा बिजनेस फॉलो कर पा रहा है कि नहीं, तो मैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट की एनालिसिस से समझ जाऊंगा. ठीक है, फोर्थ पॉइंट आएगा लिंक बिटवीन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. अब ये कैसे होगा कि बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बीच में लिंक बता रहा है, मतलब ये इफेक्ट बता रहा है कि बिजनेस ऑपरेशन हमें कैसे पता लगते हैं. बिजनेस ऑपरेशन मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमने जो करी हैं वो कहाँ शो होती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो जो चीजें आप करोगे उससे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में क्या फर्क आ रहा है, ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट एनालिसिस से ही पता लगेगा हमें. लास्ट आता है फैसिलिटेट्स प्लानिंग. मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हाँ भैया जब मुझे पता है कि कंपेयर मैंने कर ली है अपनी बैलेंस शीट, क्या मुझे प्लानिंग करने में इजी रहेगा? हाँ रहेगा. क्यों? क्योंकि अब मैं इजीली देख पाऊंगा क्या एसेट्स को मैं इंक्रीज करूं, क्या मेरी लिक्विडिटी है, मैं सरवाइव कर पाऊंगा, क्या मेरे लोन ज्यादा तो नहीं होंगे पिछले साल से अब तक, क्या प्रोविजंस एमी तो नहीं बने पड़े. ठीक है, ये सारी चीजें मैं अपनी प्लानिंग कर पाऊंगा अगले साल, जो मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा अगले साल के लिए फोरकास्ट कर पाऊंगा चीजें. नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिपरेशन ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट. अब आता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट हमने बनानी कैसे है, मतलब इसमें कौन कौन से कॉलम होंगे. इसमें 6 कॉलम होते हैं. फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स आएंगे या फिर आइटम्स आएंगे बैलेंस शीट के. आप पीडीएफ अगर आपने डाउनलोड कर लिया है, मैंने लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो वाला पेज निकाल लो, पेज नंबर 3.6, जहां पे आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट दी हुई है. ठीक है, तो ये है कॉलम्स. पहले कॉलम पे तो आप देख रहे हो इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी लाइबिलिटीज, ये आएंगे, यानी कि पहले पहले वाले में आए एलिमेंट्स या आइटम्स. वैसे भी आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पहले कॉलम में क्या आया, एलिमेंट्स और आइटम्स. सेकंड कॉलम में आएगा नोट नंबर.
थर्ड कॉलम है अमाउंट प्रीवियस ईयर का, पिछले साल की मेरी बैलेंस शीट में क्या अमाउंट था। फोर्थ कॉलम में इस साल मेरा क्या है एसेट्स, यानी जो भी मेरे पास है बैलेंस शीट में उसका इस साल क्या है। फिफ्थ कॉलम में आएगा पिछले साल और इस साल के डिफरेंसेस क्या हैं, वो आएंगे। सिक्स कॉलम में आएगा सेम उसी डिफरेंसेस को अगर आप परसेंटेज में निकाल दो, यानी इंक्रीज डिक्रीज मैं परसेंटेज में देख सकता हूँ कि ये कितना बढ़ा कितना कम हुआ। बस ये था इसमें पॉइंट। अब चलते हैं आगे, कंप्लीट हुआ हमारा। अब अगला आता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट खत्म, अगला आता है कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3.11। कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब क्या होता है, हम एनालिसिस करते हैं अपना कितना प्रॉफिट अर्न किया कितना लॉस इंकर्ड किया, उसके एनालिसिस करना उसकी स्टडी करना, बस ये प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों मैं निकालूं, मतलब मेरा कुछ तो ऑब्जेक्ट होगा ना इस एनालिसिस करने का। पहला ऑब्जेक्ट होता है टू एनालाइज ईच आइटम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के दो या दो से ज्यादा साल के हर आइटम का मैं एनालिसिस कर सकूं, फिर उनके इंक्रीज और डिक्रीज के एनालिसिस कर सकूं। थर्ड आता है ये कंपेयर करता है डाटा एक साल से ज्यादा, यानी ओवरऑल ट्रेंड देखता है प्रॉफिट में, क्या मेरे पिछले साल मान लो ये ट्रेंड चल रहा था, अब इस साल ट्रेंड चेंज हुआ, क्या मेरे प्रॉफिट में कुछ इंक्रीमेंट हुआ, ऐसा तो नहीं कि लॉस ही हो गया हो, ठीक है। फोर्थ टू एनालिसिस द डिटरमाइन द रीजन, अगर मान लो जो चेंज आया है लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है तो इसका रीजन क्या है, रीजन क्या है चेंज होने का। ओके, प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है अब ये भी प्रिपेयर करना है, ऐसे होता है कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विजिबल हो रहा है ना आपको। फर्स्ट कॉलम में आएगा सेम वही, आप एक बार याद करो सारी याद हो जानी है। फर्स्ट कॉलम में आइटम्स, सेकंड कॉलम में नोट्स, थर्ड कॉलम में फिर से प्रीवियस ईयर के प्रीवियस ईयर के अमाउंट्स, फोर्थ कॉलम में करंट ईयर के अमाउंट्स, फिफ्थ कॉलम में डिफरेंसेस दोनों के, और सिक्स कॉलम में उसी में आप डिफरेंसेस को परसेंटेज में निकाल दो, ये बनेगा ऐसा। आगे आते हैं, एक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है एक्सप्लेन करने की। 3.13 में थोड़ा बहुत बता दो जो कुछ इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब होता है मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी जो मैंने बिजनेस करके रेवेन्यू कमाया उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कौन सी होती है, जो मैं अपनी डे टू डे बिजनेस में कर रहा होता हूँ ट्रांजेक्शन। अदर इनकम्स में क्या आएगा, रेंट रिसीव, मतलब जो मेरे डे टू डे एक्टिविटीज में नहीं है इसके अलावा जो है रेंट रिसीव, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव, गेन फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, वो मेरे बिजनेस कुछ करने से तो नहीं हुआ ना, फिक्स एसेट था मैंने बेच दिया। अगला आता है एक्सपेंसेस इनकर्ड, एक्सपेंसेस क्या क्या होंगे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आएंगे, ये सारी चीजें इसमें कुछ मतलब मेरे को नहीं बताना ज्यादा, तो आप पढ़ सकते हो, फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। अभी तक हमने पढ़ा कंपैरेटिव स्टेटमेंट, वो ओवर होने के बाद अब स्टार्ट हुआ कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट की एनालिसिस करने को आप कह सकते हो इसमें वर्टिकल एनालिसिस, मैं कंपैरेटिव में बार बार आपको बोल रहा था हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस मतलब अगर कंपैरेटिव स्टेटमेंट अगर आप बनाओगे तो वो हॉरिजॉन्टली एनालिसिस करना है, कॉमन साइज बनाओगे तो वर्टिकल एनालिसिस करना है आपको, बस ये डिफरेंस याद रखना, दोनों में ये डिफरेंस है। इसमें स्टार्टिंग में मैंने पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो लिंक उसका भी मैं नीचे डाल रहा हूं, वैसे भी आपको वीडियो के एंड में दिखाई दे दिया जाएगा, ठीक है। कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, कॉमन साइज में मैंने पहली वीडियो में बताया था कि आपको इसके अंदर कोई एक बेस ईयर मानना है, इसमें बेस ईयर हमने बेस क्या मानना है, कुछ ना कुछ बेस मान के चलना होता है, इसमें बेस हमने मानना है रेवेन्यू जो ऑपरेशन है मतलब बिजनेस एक्टिविटी जो रेवेन्यू है उसको हमने बेस ईयर मानना है। पढ़ते हैं आगे, कॉमन साइज स्टेटमेंट मे बी प्रिपेयर फॉर इंट्राफॉर्म एंड इंटरफॉर्म कंपेरिजन, ये इंट्राफॉर्म के लिए भी बन सकती है और इंटरफॉर्म के लिए बन सकती है। इंट्राफॉर्म इंटरफॉर्म क्या होता है फर्स्ट वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। कॉमन साइज स्टेटमेंट मे बी प्रिपेयर फॉर बैलेंस शीट एज वेल एज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट बैलेंस शीट के लिए भी बन सकती है और इनकम स्टेटमेंट के लिए बन सकती है, जैसे कंपेरेटिव आपने देखा बैलेंस शीट भी देख ली, कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस ये भी दोनों के लिए बन सकती है। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पहले पढ़ लेते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, सेम वही कि हमने एनालिसिस करना है चेंज का कि कितना क्या क्या चेंज आया आइटम्स में, एनालिसिस करना ट्रेंड क्या फॉलो कर पा रहा है मेरा बिजनेस, थर्ड एसेस करना द एफिशिएंसी कि भैया मेरे बिजनेस की क्षमता क्या है, मतलब मेरा बिजनेस कहां तक जा सकता है, इसलिए भी मैं ये कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाता हूँ।
प्रिपरेशन कैसे करना है वही कैसे होगा ये भी आपको दिखाता हूँ। कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये है। कॉलम्स में देख लेते हैं, फर्स्ट कॉलम में आइटम आएगी, सेकंड में नोट नंबर आएगा, थर्ड में प्रीवियस ईयर का अमाउंट आएगा। इसमें ये ध्यान रखना, थर्ड में प्रीवियस ईयर का अमाउंट आएगा, बट अगर आप किसी दूसरी फर्म के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो अगर मान लो आप अपनी फर्म को दूसरी फर्म के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो थर्ड कॉलम में आप अपनी फर्म के जो जो प्रॉफिट एंड लॉस की चीजें हैं उसको लिखो। फोर्थ कॉलम में आएगा करंट ईयर के अमाउंट, ठीक है, अगर आप अपनी से ही कंपेयर कर रहे हो। अगर आप दूसरी के साथ भी कंपेयर कर रहे हो, तो पहले आप अपनी जो है आपने थर्ड कॉलम में लिखा है, और फोर्थ कॉलम में आप दूसरे की लिखोगे। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, समझ नहीं आया होगा ये। फर्स्ट कॉलम में समझ आ गया होगा, आइटम्स आएंगे। सेकंड कॉलम में आ गया नोट नंबर आएंगे। थर्ड कॉलम में आपको अगर आप अपने ही से कंपेयर कर रहे हो, मतलब अपनी से दूसरे की कंपेयर कर रहे हो, सॉरी अपनी बैलेंस अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पिछले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो आप प्रीवियस ईयर का अमाउंट लिखोगे। अगर स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रही है दो फर्म्स के लिए, तो आप तीसरे कॉलम में अपने फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस की चीजें लिखोगे। फोर्थ कॉलम में आएगा अगर आप किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हो दूसरी से, तो आप फोर्थ ईयर में इस साल का जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट है वो लिखोगे। या फिर अगर आप कंपेयर कर रहे हो दूसरी से, तो दूसरी फर्म के ऑपरेशंस यानी प्रॉफिट एंड लॉस के जो अमाउंट है वो आएंगे। अब क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप रिवाइंड करके देख लो। फिफ्थ कॉलम में मैं क्या करूंगा, परसेंटेज निकाल दूंगा। परसेंटेज कैसे निकलेगा, बेस मान के। बेस किसको माने, नेट सेल को। तो नेट सेल को हमें टेकन एज 100 लिखना है हमने, मतलब नेट सेल को 100 मान के चलना है, उसी हिसाब से मैं परसेंटेज निकालूंगा। सिक्स कॉलम में क्या आएगा, परसेंटेज रिलेशन ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस ऑफ द करंट ईयर, मतलब परसेंटेज रेवेन्यू सेल प्रीवियस ईयर का फिफ्थ कॉलम में आ जाएगा, और अगले साल का सिक्स कॉलम में आ जाएगा। या फिर अगर आप कंपेयर कर रहे हो दूसरी से, तो फिफ्थ कॉलम में आपका आप खुद के परसेंटेज आ जाएंगे, सिक्स कॉलम में दूसरे के परसेंटेज आ जाएंगे। तो आप कंपेयर कर लोगे, देखिए यार मेरा उससे ये चीज ज्यादा है कि नहीं, क्या मैं रिजर्व ज्यादा कर पा रहा हूँ उससे, क्या डेप्रिसिएशन मैंने ज्यादा लगा रखा उससे कि नहीं, तो परसेंटेज में आप कंपेयर कर पाओगे। कॉमन साइज बैलेंस शीट नेक्स्ट आता है। कॉमन साइज बैलेंस शीट का मतलब होता है इसके अंदर, उसमें हमने कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट सेल को बेस माना था, 100 माना था। अब इसके अंदर हमने टोटल एसेट्स या टोटल इक्विटी और लायबिलिटीज को 100 मानना है, यानी इसको हमने बेस मान के चलना है, ताकि हम परसेंटेज निकालने में इजी रहे, परसेंटेज इजी से निकलेगी। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव सेम वही है कि हम सबसे पहले चेंजेस देख लेते हैं कि बैलेंस शीट में क्या आया है। सेकंड आता है ट्रेंड क्या फॉलो कर पा रहा है, क्या एसेट्स जो है लायबिलिटीज है वो ट्रेंड को फॉलो कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। थर्ड है मेरा फाइनेंशियल साउंडनेस पता लग जाती है, क्या मेरा बिजनेस टिक पाएगा भी कि नहीं टिक पाएगा अगले और फर्दर ईयर्स के लिए, इसी साल मेरे को उससे कंपेयर एनालिसिस से पता लग जाएगा। प्रिपरेशन कैसे होगी, पहले कॉलम में आइटम्स, सेकंड कॉलम में नोट नंबर, थर्ड कॉलम में डिफरेंट आइटम प्रीवियस ईयर की पिछले साल की, फोर्थ कॉलम में इस साल की डिफरेंट आइटम्स, फिफ्थ कॉलम में सेम आप परसेंटेज निकालोगे प्रीवियस ईयर के, सिक्स कॉलम में और परसेंटेज निकालोगे करंट ईयर के। मतलब उस वाले में आप कॉमन साइज और कंपेरेटिव इन दोनों में देखो। कंपेरेटिव में मैं क्या करता था, बैलेंस शीट अगर आपके है तो आप तो बैलेंस शीट निकाल लो। कंपेरेटिव में मैं क्या करता था, कॉलम बनाने के लिए पहले कॉलम में सेम यही होता था, फर्स्ट कॉलम में आप एलिमेंट्स आइटम लिखते थे, यहाँ भी एलिमेंट्स आइटम लिखे हैं, सेकेंड कॉलम में नोट नंबर, यहाँ भी आपने नोट नंबर लिखा है, थर्ड कॉलम में अमाउंट्स होता प्रीवियस ईयर का, इसमें भी थर्ड कॉलम में अमाउंट है प्रीवियस ईयर का, फोर्थ कॉलम में नेक्स्ट ईयर, इसमें नेक्स्ट ईयर, फिफ्थ कॉलम से चेंज हुआ है कंपेरेटिव कॉमन साइज। कंपेरेटिव में फिफ्थ कॉलम होता था डिफरेंसेस दोनों के, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज आ जाता है पिछले साल का कॉमन साइज में, बस ये डिफरेंस है इसका। वैसे डिफरेंस आपको इसमें दे रखा है कि किस ग्रे वाले में, इसमें आप पढ़ लेना, अगर डिफरेंस कुछ आ भी गया एग्जाम में तो आप लिख सकते हो। इसीलिए चैप्टर कंप्लीट होता है, थर्ड चैप्टर कंप्लीट, अगर इसके इस चैप्टर में कुछ और डाउट है, फर्दर डाउट, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको डाउट आ रहा है, आप कमेंट में पूछना चाहो कमेंट में पूछ सकते हो, नहीं तो मेरी ईमेल आईडी पर जो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, आप उस पर भी मुझे अपना डाउट बनाकर भेज सकते हो। और मेरी वीडियोज आपको
कैसी लग रही है, तो प्लीज आप मेरे को बनाकर भेजो ताकि मैं और मोटिवेट हो पाऊँ, ताकि आपको डेली डेली मैं वीडियोस डाल पाऊँ। किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है आपको, कोई भी क्लास हो आपकी, चाहे आप CA कर रहे हो, ऑनर्स में हो, लॉ में दिक्कत हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, आप मुझे डाउट बता दो, मैं कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने का। ठीक है, थैंक यू सो मच।